लेकिन कई बार ये फौजी भी अपने रंग ले ले होड़े। एक बार एक फौजी तड़के उठा और जाकर अपने साहब से सलूट मारी, जय हिंद जनाब। कहला हाँ भाई ये जवान, बोला जी बहुत मुसीबत होगी के अगर तक फोन आया है के बात भाई अगर अली सख्त बीमार है जी, एक महीने की छुट्टी चाहिए। बोले ना भाई छुट्टी तो सबकी कैंसिल कर दी और जो जा रहे थे उन्हें भी वापस बुलाने लग रहे। हाँ क्योंकि खुफिया एजेंसी से पता लग गया भाई दुश्मन किसे टाइम भी अटैक कर सका है, सबकी छुट्टी कैंसिल। ने बोला ना जी छुट्टी देनी पड़ेगी। ने बोला रे नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। ने बोला जी चाहे 20 दिन की दे दो, देनी पड़ेगी, घराली सख्त बीमार है, जब मर गई तो फिर बॉर्डर बॉर्डर रह जाएगा मेरे दौर, फिर कुछ ना है। जिद कर ली फौजी ने। ने बोला फिर एक बात है इंक्वायरी करूंगा, अगर वाकई में तेरी घराली बीमार होगी तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। मिला न्यू बोला जी कर लो इंक्वायरी। इवन्यू कहकर अपना उल्टा फिर खा के रोटी अपना फिर लौट गया। तड़के उठा नहाया धोया ड्रेस लाई वर्दी पहरी और बड़ा राजी हुआ जानते छुट्टी मिलेगी। फिर जाके सलूट मारी, जय जनाब। कहला हाँ भाई जवान, बोला जी करो छुट्टी के लिए आपसे बोल रहा था, अपने को थे इंक्वायरी करूंगा, कर ली होगी इंक्वायरी। ने बोला हाँ कर ली, तू तो बहुत झूठा। बोला जी क्यों? क्योंकि मैंने तेरे घर फोन कराया। बोला जी फिर के फोन उठा तेरे घराली ने और मैंने पूछा जी इस तरह जवान नुके है घराली बीमार है, क्या आप बीमार हो? बोला जी फिर के वहां नाइट की। बोला जी के बोली अग्नि? बोली जी मारे तो ना मैं बीमार ना घर मर पड़ोस में भी कोई बीमार नहीं, और बोला छुट्टी ना दे दियो बहुत दुखी रखे और बाजा तेरी छुट्टी कैंसिल। ये फौजी ने शर्म मारिया। ने बोला साहब झूठे तो बहुत देखे थे पर तेरे तो बड़ा झूठा नहीं देखा। बोला क्यों? क्योंकि बोला जब मेरा ब्याह ही ना हो रहा बात तेने तेरी बुआ तो कर ली। तो ये फौजी अपना न्यू भी टाइम पास कर ले आज बोल के बेचारे, लेकिन भारत माँ का सच्चा वीर सिपाही है, इन्हीं के बलिदान और कुर्बानियों से आप और हम आजादी की खुली हवा में जी रहे हैं। तो नमन करते हैं महान शहीदों को। शहीद कवि जाट मेहर सिंह की एक रागनी, जैसा कि हमारे जोगिंदर भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं बताया कि टिकटॉक पर सारा ये रागनी चली और बड़ी फेमस हुई। जिस समय अंजना और उसकी सखियां बागों में घूमने फिरने के लिए चली जाती हैं और उन्हीं बागों में एक सौदागर आया हुआ था जो फोटो बनाने और बेचने का काम करता था। जब वह घूम फिर कर सखी घर चलने की तैयारी करी, देखा पेड़ के नीचे सौदागर लेटा हुआ, पास में एक थैला जिसमें बहुत सारे फोटो थे। और थैला खोल के अंजना ने फोटो निकाले और एक एक करके देखना शुरू कर देती है। जब पवन रूप का फोटो आया बहुत देर तक देखती रही और सखियों से पूछा, सखियो यू किसका फोटो है? निपोली बेबे रतनपुरी के पवन रूप का फोटो है। क्यों बेबे? मेरा दिल चाहता कि इसके साथ शादी करूं। निपोली आज के देश पानी का भर गया, शादी करनी है तो अपने बाप ने कहकर जोड़ी मिलवा ले। पवन गेल शादी होगी तो सारी जिंदगी भांग के पहाड़ जागी, तू तो इसी जैसे पणवासी का चांद खेलिया और पवन काला कलूटा तेरी जोड़ी के लायक नहीं। तो एक बात में सारी सखी मिलके अंजना को समझाती है, निवलिया इतनी बढ़िया बात पढ़ी लिखी तू कदे तो हमने बताया करती और पवन भूप का फोटो देख के एक कजद करिए कि ब्याह करूंगी तो इसके साथ। बेबी सच ना करे तेरे गैल रही पढ़ी लिखी साथ में न्यू तू खावागा तन्ने को काली होगी तो हमने बड़ा दुखा होगा। तो सारी सखियां मिलके अंजना को समझाती हैं और एक बात में क्या कहती है, ओ
हंसनी वो बिल्कुल काका सिंह जी जो बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, 100 रुपए पहले 100 रुपए और 200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई जगवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। चौथी कली में समझाया सखियों ने कि बेबे अगर शादी करनी है तो अपने बाप से मिलकर अपनी जोट मिलवा ले, और बाप ने भी कह दिया कि जोट मिला दे।
ना तो देखे कोई सा चार टकरावेगा तेरे सिर पर जवारा होगा जेठ का महीना तले तरता रेत और जब जवारे नवार होगी साटा खाल तारी जागी आगे भी ध्यान रखिए क्या कहा चौथी गली में क्या लिखिया बना संग बहुत बहुत धन्यवाद।